और मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर, सारे मेंबर मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई यूनिसेलुलर मेंबर नहीं होता। दे वेरी इन फॉर्म एंड साइज, साइज और फॉर्म में काफी वेरी करते हैं, मीन्स दे मे बी सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, लाइक एक्टोकार्पस और हाईली ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर, लाइक कैल्स। तो ये सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, फिलामेंटस होते हैं, एक्टोकार्पस के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और हाईली ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। अगर सिंपल ब्रांच जो एक्टोकार्पस है उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल ब्रांचिंग यहां पे बनी होती है इसकी। इस तरह की ब्रांचिंग होती है, ये बन जाता है एक्टोकार्पस। और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग कैल्प्स जैसे ट्री होता है उसकी तरह जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। कैल्प्स की जो हाइट है वो अबाउट 100 मीटर तक हो सकती है। कैल्प्स मे बी अप टू 100 मीटर इन हाइट। ट्री नहीं होते, लेकिन ट्री का जो क्राउन पार्ट होता है, जैसे ब्रांचेस और लीव्स वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं क्राउन। तो उसके जैसा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। मान लेते हैं इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है जिसकी हाइट 100 मीटर तक हो सकती है। तो सिंपल ब्रांच हो सकता है, और हाईली ब्रांच यानी कि हाईली ब्रांच या प्रोफ्यूज ब्रांचिंग भी इसको बोल सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर भी इनके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। अब बात करते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी इनको बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर कलर की शेड होती है। अब इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बी यहां पे नहीं है जो कि ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट था। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल, ये प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड्स येलो ऑरेंज कलर का होता है पिगमेंट, येलो ऑरेंज कलर। जेंथोफिल के अंदर काफी वेरिएशन आती है जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल सी जो होता है वो येलो ग्रीन कलर का होता है, कैरोटीनॉइड येलो ऑरेंज कलर का होता है। जेंथोफिल के काफी सारे शेड्स होते हैं, येलो से लेके ब्राउन कलर तक इनकी फॉर्म हो सकती है। अब जो ब्राउन एल्गी है उसकी जो शेड है ओलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन को रिप्रेजेंट करती है। ब्राउन एल्गी शोस वेरियस शेड्स, मतलब अलग अलग कलर ये शो करते हैं, वेरियस शेड्स फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू ब्राउन। जो ब्राउन कलरेशन है वो किसकी वजह से आता है? एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन, दैट इज अ टाइप ऑफ जेंथोफिल। ब्राउन कलरेशन इज ड्यू टू पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन। ये ब्राउन कलर का पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन। किसका टाइप होता है? जेंथोफिल का ये टाइप होता है। तो जेंथोफिल का एक पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन, और उसकी वजह से इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर आ जाता है। और इनके वेरियस मिक्सिंग से अलग अलग तरह की शेड बनती है ब्राउन एल्गी की या फेओफाइसी की। तो इनको ब्राउन एल्गी बोला जाता है। अकेले जनरली ये सी वॉटर या फ्रेश वॉटर जो सॉरी सी वॉटर या ब्रैकिश वॉटर में मिलते हैं। रेयर में है इसके जो मेंबर्स जो फ्रेश वॉटर के अंदर मिलते हैं।
इसमें कोई भी यूनिसेल्यूलर मेंबर प्रेजेंट नहीं है इस क्लास में, सारे मेंबर्स मल्टीसेल्यूलर होते हैं। ये फॉर्म और साइज में वेरी करते हैं, फॉर्म में सिंपल ब्रांच फिलामेंटस हो सकते हैं इसके तरह, और हाईली ब्रांच हो सकते हैं जैसे कि कैल्प के अंदर होता है जिसकी हाइट 100 मीटर तक हो सकती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, कैरोटीनोइड्स एंड जैंथोफिल ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्राउन एल्गी काफी अलग अलग तरह की कलर हो सकती है, ओलिव ग्रीन शेड से लेके ब्राउन तक इनका कलर होता है। अब जो ब्राउन कलर है उसके लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, अ टाइप ऑफ जैंथोफिल। तो फ्यूकोजेंथिन की वजह से ब्राउन पिगमेंटेशन इनके अंदर अराइज होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड लैमिनेरिन और मैनिटोल। लैमिनेरिन या मैनिटोल की फॉर्म में जो फूड है वो स्टोर किया जाता है इन पर्टिकुलर एल्गी के अंदर, जबकि जो क्लोरोफाइट्स है वहां पे जो फूड है वो स्टोर किया जाता था पायरानोइड बॉडीज की फॉर्म में। तो यहां पे लैमिनेरिन या मैनिटोल की फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है। अब बात करते हैं इसके सेलुलर स्ट्रक्चर की। सेल की बात की जाए तो इसके जो प्रोटोप्लाज्म पार्ट होता है उसमें प्रीडोमिनेंट न्यूक्लियस और एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अ प्रोमिनेंट, मीन जो क्लियरली देखा जा सकता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अ सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल काफी बड़ी होती है इसमें, तो एक सेंट्रल वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहां पे जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन उसके बाहर एक एल्जिन की कवरिंग होती है। सेल वॉल इज सेलुलोसिक, यानी कि सेलुलोज की बनी होती है बट सराउंडेड बाय अ केमिकल एल्जिन। एल्जिन एक केमिकल है, उससे सेल वॉल कवर्ड होती है। तो सेलुलोज की बनी होती है और एल्जिन की कवरिंग होती है, जबकि ग्रीन एल्गी में हमने पढ़ा था कि वो सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। तो थोड़ा डिफरेंस सेल की वॉल की कंपोजिशन में भी यहां पे आ जाता है। उसके बाद जो ये एल्गी है इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके से ये अपने स्ट्रक्चर को अडोप्ट करते हैं। तो जनरली एक पर्टिकुलर एल्गी की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। एन एल्गी और एन एल्गा इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट के अंदर इसकी बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रोंट। ये 3 पार्ट के अंदर बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है।
इस तरह की इनका जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल सकता है। ये लैमिनेरिया का पार्ट है, लैमिनेरिया, ये जो पार्ट है दैट इज क्यूकस, एक एल्गी होती है उसका पार्ट है। तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट है जिससे एक एल्गी सबस्टेटम के साथ अटैच होती है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है उसको स्काइप बोलते हैं, और जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है उसको फ्रोंड बोलते हैं। यहाँ पे ये पार्ट फ्रोंड है, स्टाइप के नीचे वाला पार्ट है जहां से जुड़ी है, होल्ड फास्ट पार्ट है। फ्रोंड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ सर्कल से, ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करते हैं एयर ब्लेडर को, जिसके अंदर एयर भरी होती है जिससे ये पानी के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। और साथ में जो ये लाइन मैंने बीच में रिप्रेजेंट की है, ये इसकी मिड रिब है। जैसे लीफ के अंदर रिब होती है जिसमें से वाटर या फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसे इसी तरह के ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि इनके अंदर वास्कुलर बंडल नहीं होते हैं। सो होल्ड फास्ट पार्ट बाय विच इट अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, यानी कि ग्राउंड से जहां पे अटैच होते हैं जिस पार्ट से उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। और ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर जैसे कोई तिनका पकड़ा जाता है, फ्रॉम लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक जो पार्ट होता है उसको फ्रोंड बोला जाता है। तो इस तरीके का ये इनका स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्स। काफी तरह के जो स्पोर्स है उनसे इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मोस्ट कॉमन जो स्पोर होते हैं यहां पे भी, मोस्ट कॉमन स्पोर्स वो होते हैं जू स्पोर्स। यहां पे भी जू स्पोर्स की हेल्प से ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होता है। तो कई तरह के स्पोर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है जिसको लैमिनेरियम या मैनिटोल बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जो साइटोप्लाज्म पार्ट है और न्यूक्लियस है, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक सेंट्रल वैक्यूल होती है न्यूक्लियस के अलावा। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन उसके बाहर एल्जिन एक केमिकल उसकी कवरिंग होती है। एल्गा की जनरली बॉडी तीन पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट होती है, होल्ड पार्ट जिससे एक एल्गी बॉटम पे अटैच होती है, दूसरा उसका स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और तीसरा उसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होता है, मींस मैच्योर एल्गी छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन हो जाती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है। जो मोस्ट कॉमन टाइप का स्पोर है वो है जू स्पोर्स। पायरीफॉर्म इनसेप मींस पायरीफॉर्म मींस पियर शेप्ड होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं। पियर शेप्ड का मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका होता है। पियर शेप्ड होते हैं, फ्लैजेला दैट इज टू इन नंबर, सिर्फ दो ही फ्लैजेला होते हैं। बोथ आर अनइक्वल, दोनों फ्लैजेला अनइक्वल होते हैं, बराबर साइज के नहीं होते हैं। एंड प्रेजेंट
ऑन द लेटरल साइड, और ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके के फ्लैजेला होते हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट है, दो होते हैं, अनइक्वल होते हैं, तो ये इनके जूस पोर्स होते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे भी तीनों मेथड से हो सकता है अलग अलग स्पीसीज के अंदर, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस। किसी भी तरह का इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। गैमेट्स जो इसके अंदर बनते हैं, गैमेट्स आर पियर शेप, गैमेट्स पियर शेप्ड होते हैं, बियर टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड, लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। यहां पे पियर शेप्ड होते हैं, इनके जो गैमेट्स है वो भी पियर शेप्ड होते हैं, उस पर दो फ्लैजेला होते हैं, दो अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं, बियर टू अनइक्वल फ्लैजेला लेटरली अटैच्ड, और वो लेटरली अटैच्ड होते हैं, यानी कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं उसमें इंक्लूड होता है डिक्टियोटा, डिक्टियोटा, इसके अलावा लेमिनेरिया, लेमिनेरिया के अलावा फ्यूकस, सार्गेसम, एक्टोकार्पस। तो ये इसके वेरियस मेंबर्स हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस पोर्स के थ्रू होता है, जूस पोर पियर शेप्ड के होते हैं, दो फ्लैजेला होते हैं, अनइक्वल लेंथ के होते हैं, और लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, एपिकल नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस टाइप भी हो सकता है, अनआइसोगैमस टाइप भी हो सकता है, और ऊगैमस टाइप भी हो सकता है। गैमेट्स पियर शेप्ड होते हैं, दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला गैमेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, गैमेट्स वॉटर के अंदर भी फ्यूज कर सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर होता है ऊगोनियम, यानी कि जहां पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है उसके अंदर भी फ्यूजन हो सकता है गैमेट का। एग्जांपल डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गेसम एंड एक्टोकार्पस। सो दैट इज ऑल अबाउट द ब्राउन एल्गी फेरोफाइसिक।